योग गुरु बाबा रामदेव ने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। सोमवार को दिल्ली में फिक्की के महिला विंग के एक कार्यक्रम में रामदेव ने कहा है कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वो किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार नहीं करेंगे। रामदेव ने कहा कि वो अब निर्दलीय और सर्वदलीय हो गए हैं। जो देश के बड़े मुद्दे हैं, जिससे देश महान बनेगा, उन पर खुद को केंद्रित किया है, इसलिए मैं अपने आप को एक सर्वदलीय और निर्दलीय, एक गैर राजनीतिक चरित्र के रूप में भारत माता की सेवा कर सकूं, मैं भारत माता को अपनी आराध्य मान करके, कर्म को अपना धर्म मान करके, राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं, राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, इस फिलोसफी के साथ में काम करता हूँ। इसलिए राजनीतिक जो मेरा सरोकार है वो बस इतना ही है कि देश में अच्छे लोगों का राज हो। मोदी सरकार में कारोबार बढ़ने के आरोपों पर रामदेव ने सफाई भी दी। मोदी सरकार उसका कारण नहीं है, जो है पूरा जो बिजनेस है उसकी एक अलग मैकेनिज्म है, उसको किसी सरकार से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। बाजार का एक प्रभाव हो, कभी शेयर मार्केट अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। अब उसमें सरकार की थोड़ी बहुत नीतियाँ जिम्मेदार होती हैं, लेकिन एक जो बिजनेस का जो पूरा एक मैकेनिज्म है उसको पूरी तरह से पॉलिटिक्स से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। बता दें कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में रामदेव ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का खुलकर समर्थन किया था।